एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदर्श श्रीवास्तव। सो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि आप पोस्ट स्मूथनिंग आप हेयर केयर कैसे कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था स्मूथनिंग अंदर 290 रुपीज़, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा वो। सो आज मैं उसी से रिलेटेड उसके आगे का स्टेप बताने वाली हूँ कि आप केयर कैसे कर सकते हो अपने हेयर की, अगर आपके हेयर केमिकल ट्रीटेड है, लाइक आपने स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग करा रखी है तो। और जो मैं हेयर केयर रूटीन फॉलो करती हूँ आज मैं वो भी बताने जा रही हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट करा रखा है तो आपको 2 दिन अपने हेयर की बहुत अच्छी केयर करनी पड़ती है। लाइक आपको ध्यान रखना पड़ेगा उनको बांधना बिल्कुल भी मत, एंड आप कोई क्लिप्स या हेयर बैंड यूज़ मत करना, उससे बाल आपके ख़राब हो सकते हैं। वाटर से भी आप उनको प्रोटेक्ट रखना 2 दिन तक, अगर आप बाथ ले रहे हो तो ध्यान रखना बहुत आराम से। आप हल्का सा सॉफ्ट बर्न हाई बर्न कर सकते हो, एंड फिर उसके बाद आप ध्यान रखना कि आपको स्वेटिंग भी ज़्यादा ना हो, तो बालों की आपको 2 दिन तक अच्छे से केयर करनी है। सो जो शैम्पू मैंने यूज़ करना चालू किया था वो था स्ट्रीक्स का कैनवो लाइन शैम्पू विथ कैराचार्ज कॉम्प्लेक्स। इसी ब्रांड का मैंने केमिकल ट्रीटमेंट भी यूज़ किया था। सो ओवरऑल मैं बोलूँगी दिस शैम्पू इज़ फाइन बट नॉट दैट ग्रेट। एक्चुअली मैं फिर स्किप करके मैंने मैट्रिक्स यूज़ करना चालू कर दिया अभी प्रेजेंटली। मुझे मैट्रिक्स ज़्यादा सूट कर रहा है एंड काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं बाल इससे। सो मैं आपको बताती हूँ मैं शैम्पू कब कब करती हूँ। मैं वीक में 2 बार शैम्पू यूज़ करती हूँ, एंड शैम्पू करने के बाद मैं हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। तो हेयर मास्क मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं मैट्रिक्स का ही करती हूँ। ये हेयर मास्क 500 रुपीज़ का आपको 500 ग्राम्स मिलेगा, अप्रॉक्स 490 ग्राम है। तो काफ़ी चल जाता है ये, अगर आपने लाइक केमिकल ट्रीटमेंट किया है तो आपका 8-9 मंथ्स आराम से चल जाएगा, लाइक मेरा तो चल जाता है। इससे हेयर काफ़ी मैनेज और सॉफ्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे हो लाइक कि सिर्फ हम शैम्पू यूज़ करते हैं हम मास्क नहीं यूज़ करते हैं, तो ऐसा मत करना, आपके बाल बहुत ही रफ हो जाएंगे क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट से बाल थोड़े से डैमेज होने लगते हैं, धीरे धीरे करके वो रफ होने लगते हैं। तो अगर आप मास्क यूज़ कर रहे हो तो अच्छे से मैनेजेबल रहेंगे, बट अगर आप मास्क नहीं यूज़ करते हो तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको ब्रेकेज हो सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट करने के 1 मंथ तक आप हेयर स्पा मत करो। अगर आपको हेयर स्पा करना है तो हेयर स्पा के लिए आप 1 मंथ वेट कर लो। 1 मंथ के बाद आप 15-20 डेज में हेयर स्पा ले सकते हो, अगर आपके बालों की क्वालिटी आपको अच्छी चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं जो हेयर स्पा करती हूँ मैं घर में ही हेयर स्पा करती हूँ, और जो क्रीम मैं यूज़ करती हूँ वो है फैशन कलर की केराटिन कॉम्प्लेक्स, एंड ये आपको अमेजोन में मिल जाएगी। मैंने भी अमेजोन से इसको परचेस किया था। इसमें कैरेटिन कॉम्प्लेक्स है जो बालों को काफ़ी मैनेजेबल रखेगा और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं बाल। तो मैं घर में ही हेयर स्पा कर लेती हूँ, क्योंकि आप अगर सलून जाओगे तो आपको 1500-2000 पे करना पड़ेगा हेयर स्पा का, कोई नॉर्मल अच्छी जगह अगर आप करवाना चाहते हो तो। बट अगर आप घर में कर लोगे तो बहुत ही इजीली आपका हेयर स्पा हो जाएगा बहुत कम प्राइस में। सो इस क्रीम का जो प्राइस है 765 रुपीज़ फॉर 500 ml, एंड बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए चल जाएगा ये आपका। आप आराम से इसको 1 ईयर यूज़ कर सकते हो, अगर आप 15-20 डेज में एक बार स्पा कर रहे हो तो 1 ईयर तो अप्रॉक्स ये चल ही जाएगा आपका। सिरम इज़ ऑप्शनल, मैं सिरम यूज़ नहीं करती हूँ, बाल थोड़े से स्टिकी हो जाते हैं सिरम की वजह से। एंड आपको यूज़ करना है तो आप कोई भी अच्छा सिरम यूज़ कर सकते हो, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट सिरम्स हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हो। बाकी ये मेरी पर्सनल हेयर केयर रूटीन है, एंड अगर आपने स्मूथनिंग कर रखी है या करवाई है या बाहर से करवाई है या घर में की है तो आप ये हेयर केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो, आपको काफ़ी डिफरेंस दिखाई देगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।